हेलो दोस्तों, मैं जन्मेजय स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल ट्रेड्समैन रैली 2022। इसकी पूरी डिटेल्स में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपको बता दूँ कि इसका जो वैकेंसी का है उसका ऑनलाइन फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुका है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें बता दूँ आपको, जो टोटल पोस्ट है वो 1380 है। 1380 जो टोटल पोस्ट है उसका जो अप्लाई डेट है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो आ चुका है। तो उसका जो डेट है वो 6 जून से 20 जुलाई तक है उसका डेट है। तो अभी आप चाहो तो भर सकते हो और जाके भर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप भर रहे हो तो आप जुलाई में है इसका लास्ट डेट, तो आप हो सके तो 30 जून तक आप भर लो, ताकि आप कोई भी सर्वर प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो डिफेंस का वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आती है उसमें ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि लास्ट लास्ट में सर्वर की प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे छात्र लास्ट में भरते हैं। ये मत सोचना कि हम लास्ट में भर लेंगे, पहले भर लो ताकि आप सुविधा हो जाओ कि मेरा फॉर्म तो पहले फिल हो चुका है तो मुझे टेंशन नहीं है, ऐसा बोल के उसके बाद तैयारी लग जाओ। तो उसके बाद आप लोगों को बता दूँ कि इसमें एग्ज़ाम फी के बारे में बताता हूँ। एग्ज़ाम फी जो है वो जनरल OBC और EWS जो कैटेगरी है उसका है 100 रुपीज़। लेकिन एक और है जो SC ST और जो फीमेल कैटेगरी का जो है उनका पैसा नहीं लगता है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग चाहो तो मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। और दूसरा है एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया 1 अगस्त 2022 के हिसाब से 18 साल से 23 साल के बीच आपका उम्र होना चाहिए। और दूसरी बात आपको मैं बता दूँ कि इसमें ओनली जो जनरल है और EWS कैंडिडेट है उनको बस 18 से 23 साल है। और कुछ पोस्ट में ये सेम 18 से 25 साल के बीच है, जैसे कि राइफलमैन आर्मर है, बार्बर है और लैब असिस्टेंट है, असिस्टेंट नर्सिंग है, ये सब में। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी हैं तो जैसे कि रिजर्वेशन कैटेगरी SC ST में 5 साल की आपको छूट मिलेगी और OBC कैटेगरी में 3 साल की आपको छूट मिलेगी। और आपको एक और बता दूं, अगर आप इसका फिज़िकल जो डेट है, फिज़िकल का जो एग्ज़ाम होगा वो 1 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 1 सितंबर 2022 से यानी कि उसका फिज़िकल डेट स्टार्ट हो जाएगी। तो फिज़िकल डेट के बारे में आपको और मैं बता दूं, फिज़िकल एग्ज़ाम जो होगी वो आपका नियरेस्ट शहर में होगा, यानी कि आप जिस शहर में हो या मतलब जिस स्टेट से हो उसी स्टेट में जहाँ तक होने की कोशिश रहेगी, या जिस आसपास के स्टेट में ही होगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये अरे असम राइफल है तो असम में ही जाके होगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि कौन कौन सी पोस्ट है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपको मैं पहले बता दूं, नंबर 1 में है हवलदार क्लर्क पोस्ट है, तो ये इसका एलिजिबिलिटी है। अगर आप 12th पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इंग्लिश में और हिंदी में, अगर आप टाइपिंग मंगा है तो आप अगर इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में कर सकते हो, अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इसमें अगर इंग्लिश में करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करना है, और जो हिंदी में करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से करोगे। आपको 10 मिनट का समय दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप अगर आप टाइपिंग टेस्ट में उसके हिसाब से आपको टाइपिंग करना है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप इंग्लिश में करते हो तो मंगल ज़्यादा आसान पड़ेगा, और हिंदी में अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो तो हिंदी में टाइपिंग करोगे तो बहुत टाइम लगता है, और वो वहाँ पे मंगल फॉन्ट में टाइपिंग करवाते हैं। अगर आप घर में प्रैक्टिस करते हो तो मंगल फॉन्ट में करना ज़्यादातर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूसरी बात मैं अगर बता दूं कि ज़्यादातर इंग्लिश लेना, इंग्लिश ज़्यादा आसान रहेगा। और दूसरा पोस्ट है हवलदार रेडियो ऑपरेटर। हवलदार रेडियो ऑपरेटर के लिए अगर आप 10th पास हो, प्यारे साथियों 10th पास हो, और 10th पास के साथ में ITI है आपका, ITI जो है वो रेडियो मैकेनिक में होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है राइफलमैन, आर्मर, बार्बर, लैब असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, वाशरमैन, ये सब 10th पास है। और इसी में फीमेल कैटेगरी के लिए एक है आया, वो भी अगर आप 10th पास हो और आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और चौथा है वारंट ऑफिसर, जो वारंट ऑफिसर रेडियो है उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th प्लस डिप्लोमा। अगर आपके पास 10th प्लस डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और रही बात आप लोगों को मैं बता दूं, इसका जो आप लोगों को सैलरी मिलेगा वो मिलेगा 25,000 से 41,000 तक ये मिलेगा। TA DA क्या क्या दुनिया भर का भत्ता मिलता है वो सब मिल करके आपको टोटल पड़ जाएगा 41,000,
41,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, तो 25,000 ऐसा सोच के मत सोचना कि मेरा कम है, और ये बढ़ेगी, एक दो साल में आप 50+ पार कर जाओगे। और सिलेक्शन प्रोसेस से पहले आपको मैं बता दूँ इसका कौन कौन सभी राज्यों से जो पोस्ट निकले हैं, तो राज्य से पोस्ट वाइज आपको मैं बता दूँ कौन कौन से राज्य में कितने पोस्ट है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन में लेकर चुके चलता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रकार से, आप लोगों का स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस प्रकार से टोटल पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। आंध्र प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, सभी जगह अच्छी खासी पोस्ट है। आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आप देख सकते हो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, अच्छी खासी पोस्ट है, अप्लाई कीजिए और तैयारी कीजिए। ज़्यादातर तो एग्ज़ाम सब निकाल लेते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि आप लोग टाइपिंग का इसमें तैयारी कीजिए। अब हमारे उत्तर प्रदेश अच्छी खासी पोस्ट है, 123 पोस्ट है, और इसमें हवलदार में ही और क्लर्क में ही 14 पोस्ट है, तो एक अच्छी बात है। अगर आप और नर्सिंग असिस्टेंट में भी 10 पोस्ट है, तो एक बात आप ध्यान दीजिए, अच्छी खासी पोस्ट आया हुआ है, तो आप तैयारी कीजिए। टाइपिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप टाइपिंग टेस्ट का अभी से तैयारी कीजिए। टाइपिंग में आप ज़्यादातर इंग्लिश लीजिए, हिंदी अगर आता है तो लीजिए, लेकिन हिंदी में टाइपिंग करने में थोड़ा लेट होता है, तो आप इंग्लिश लीजिए, इंग्लिश आसान पड़ेगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ आप टाइपिंग का ही तैयारी कीजिए। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद आपको मैं बता दूँ सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सबसे पहले आपका PET होगा, PET PhD। तो PET में आप तो जानते ही हो PET होगा, उसके बाद PET PhD के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे कि आप अगर नर्सिंग असिस्टेंट हो, आया हो, बार्बर हो, वाशरमैन हो, ये सब में अप्लाई किए हो, हवलदार क्लर्क में अप्लाई किए हो, तो ये सब में आपका नर्सिंग टेस्ट होगा, सॉरी ट्रेड टेस्ट होगा। यानी कि आप अगर क्लर्क वगैरह में डाले हो तो आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा, ऐसे इस टाइप से ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट, फिर जा करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो उसके बाद आपको मैं बता दूँ कि इसका PhD एलिजिबिलिटी जो है, यानी कि PET और PhD जो है, तो PhD आपको मैं बता दूँ, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो SC, OBC, EWS और जनरल कैटेगरी को 170 हाइट चाहिए, हाइट जो है 170 सेंटीमीटर चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर चाहिए, और फुला करके वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला करके 85 होना चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाओगे। और अगर आप मेल कैटेगरी में ST कैटेगरी में आते हो तो आपका 162.5 यानी कि 162.62 सेंटीमीटर आपका हाइट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात, इसका जो चेस्ट है वो आपका चेस्ट 76 होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर, और फुला करके 81 होना चाहिए, तब इसमें अप्लाई कर सकते हो। फीमेल के लिए सेम है, अगर आप क्या बोलते हैं SC OBC EWS या जनरल कैटेगरी है, तो आपको हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, और ST कैटेगरी है तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें चेस्ट वगैरह एप्लीकेबल नहीं है इसमें फीमेल के लिए। और दूसरी बात, रनिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रनिंग आप अगर पहाड़ी क्षेत्र से नहीं हो, जैसे कि लद्दाख वगैरह से, तो आपको मेल हो तो 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो 24 मिनट में कंप्लीट करना है, और फीमेल कैटेगरी में हो तो 1.6 किलोमीटर को 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। और दूसरी बात है एग्ज़ाम सेंटर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये एग्ज़ाम सेंटर इसका सभी राज्य में, या जहाँ ज़्यादातर आप लोगों के नियरेस्ट जिस राज्य में है उसके आसपास में ही आप लोगों का फिज़िकल या ट्रेड टेस्ट, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और दूसरी बात आप लोगों को मैं बता दूँ, इसका जो सिलेबस है, तो सिलेबस आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जैसे SSC GD में आप लोग एग्ज़ाम दिलाए हो, सेम उसी प्रकार से होगा। इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। जैसे कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें 200 नंबर का आप लोगों का दो घंटा का टाइम मिलेगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है तो आप लोग उसको तुक्का लगा करके आ सकते हो, ऐसा तीखी तो लगाना है, तुक्का लगा के आ जाना। तो इसमें क्या है, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर तुक्का लगा सकते हो तो 10 लगाओगे तो 3-4 तो सही होगा ही ना, तो इसलिए तुक्का लगा करके आ जाना, कुछ भी छोड़ना नहीं। उसके बाद फिर रिटर्न एग्ज़ाम के बाद ही आप लोगों को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो आई होप आपको इसी प्रकार से जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल में। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी कुछ सवाल पूछना है
SSC GD के बारे में हो या असम राइफल ट्रेडमैन, इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करें, तो ये सब कमेंट बॉक्स में जा करके आप पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।